में डूबल है। तो क्या कितना दिक्कत होता है आप लोग को? हम लोग के बहुत दिक्कत है। अच्छा सारा मान लीजिए पानी आ गया, हाँ, तो फिर निकलने उकलने में लोग घर खाली भी कर दिए क्या? तो खाली हो जाता है, ये सब बांध पर रहता है। नहीं, अभी जितने लोगों के घर में पानी है सब वो पट्टी है, बांध के वो पट्टी सब खाली कर दिया। हाँ सब सामान देखे ना, सभी कल के वो पट्टी है, रोड के वो पट्टी। अच्छा खाली परेशानी है, नाव का व्यवस्था नहीं है? अब पुल बन गया तब पुल में आदमी जाता है आता है। आओ हम इस समय खड़े हैं बिंद टोली, ये वही बिंद टोली है जो दीघा रेलवे लाइन बन रहा था तो रेलवे के किनारे जो लोग बसे थे उनको हटाया गया था, बवाल भी बहुत हुआ था और उन्हें यहाँ बसाया गया। लेकिन अब हालत ये है कि गंगा में उफान मचा है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, आधा बिंद टोली पूरी तरह से डूब गया। देखिए ये पहले हम आपको ये दिखा दें, ये देखिए ये पूरा गंगा की धारा है जो दीघा की तरफ से निकल करके ये बांस घाट होते हुए जाती है। इस नज़ारे को आप देखिए और अब देखिए आधा बिंड टोली, वो क्लोज कीजिए आप रणधीर उसको, आधा बिंड टोली डूब चुका है, लोगों ने खाली कर दिया आधा से ज़्यादा बिंड टोली, और लोग आधा से ज़्यादा बिंड टोली खाली करने के बाद बांध पर चले गए। और जो हमारी एक महिला से बातचीत हुई है उस महिला ने बताया कि दिक्कत बहुत है, ख़ास करके रात में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो निकल नहीं सकता है, चूँकि गाँव में पानी घुस गया, आधा से ज़्यादा बिंड टोली में पानी प्रवेश कर चुका है। देखिए गंगा का पानी पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है, अब लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे, और पलायन करने के बाद लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ, अब देखिए किस तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लोग परेशान हैं और लोगों ने अपना अपना घर खाली कर दिया है। और बिंड टोली में वहाँ हम आपको दिखा रहे हैं पूरा नज़ारा, इधर आप दिखाएँ राजेश, वो बीच में वे पूरी तरीके से जो हालात हैं वो हालात बहुत ख़राब है। बिंद टोली को आधा बिंद टोली के लोगों ने खाली करके वो लोग बांध पर चले गए हैं और बांध पर जाने के बाद वहाँ वो लोग रह रहे हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल पटना में गंगा के किनारे बसा हुआ ये बिंद टोली। लोगों का कहना है कि सरकार तक न तो नाव दी गई है न कोई व्यवस्था की गई है और आधा से ज़्यादा लोगों ने बिंद टोली को खाली करके निकल गए यहाँ से। तो लोगों की परेशानी बहुत है, लोग बहुत परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि सरकार को कम से कम नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जैसे जैसे गंगा में पानी बढ़ रहा है, उफान मचा है, वैसे वैसे बिंद टोली खाली होता चला जा रहा है। जिनके जिनके घरों में पानी गया है वो सभी लोग खाली करके बांध पर चले गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार क्या इंतजाम कर पाती है। सहयोगी राजेश के साथ मरगुबालम का सीसी न्यूज पटना।